नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नागौर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखिए, अब अपन देखते हैं पार्ट 10 बियरिंग का, जिसमें अपन ऑब्जेक्टिव देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ प्रॉपर डायनेमिक लुब्रिकेशन फॉर अ गिवन जनरल बियरिंग। तो एक जनरल बियरिंग दे रखी है, उसके लिए ये स्टेटमेंट देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। द हायर द विस्कोसिटी द लोअर द रोटेटिंग स्पीड नीडेड टू फ्लोट द जनरल बियरिंग एट अ गिवन लोड। तो पहला है वो एकदम सही है, आप विस्कोसिटी को बढ़ाइए और स्पीड को कम करोगे तो ये फ्लोट कर पाएगी, ये बात सही है। ठीक है, हायर द रोटेटिंग स्पीड, आप एन को बढ़ाओ, ठीक है, और हायर द बेयरिंग लोड, तो बेयरिंग लोड जो फोर्स है पी, उसको भी आप बढ़ाओ, तो उससे क्या है ये फ्लोट कर सकती है। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं। द हायर द बेयरिंग लोड, आप पी को बढ़ा दीजिए और विस्कोसिटी जो होता है जेड, उसको भी बढ़ाओगे तो भी ये फ्लोट करेगी, उससे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका पैसेट वे में ऑप्शन ए आएगा कि 1, 2, 3 आर करेक्ट। तो तीनों के तीनों एकदम सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू रिस्टोर स्टेबल ऑपरेटिंग कंडीशन इन हाइड्रोडायनेमिक जनरल बेयरिंग व्हेन इट एनकाउंटर्स ए हायर मैग्नीट्यूड लोड। अच्छा, तो आपको इसमें ये बताना है कि आपको स्टेबल कंडीशन लानी है, तो उसके लिए स्टेबल कंडीशन लानी है जब आपके लोड बढ़ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए वो दे रखा है। ठीक है, तो इससे क्या है, आप लोड बढ़ाओगे तो जेड एन अपॉन पी होता है, पी बढ़ाओ तो आप क्या करो विस्कोसिटी को भी बढ़ा दो, तो उससे क्या है ये कैंसिल आउट होंगे और इनका रेशियो सेम रहेगा। तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही आएगा कि विस्कोसिटी शुड बी इंक्रीज्ड, विस्कोसिटी होती है जेड। तो 66वें में आपका ऑप्शन आएगा बी एकदम सही। इसके बाद में 67 क्वेश्चन देखिए। ऑटोमोबाइल का एक्सल दे रखा है, ठीक है, हाई स्पीड ग्राइंडिंग स्पेंडल दे रखा है, आईसी इंजन का कनेक्टिंग रोड और लीफ स्प्रिंग की आई माउंटिंग, इसमें कौन से में कौन सी टाइप की बियरिंग होती है वो देखना। ऑटोमोबाइल का जो एक्सल होता है उसके अंदर टैपर रोलर बियरिंग होती है पीछे वाले में, ठीक है, याद रखना। ट्रैक्टर में भी होती है टैपर रोलर बियरिंग, और एक जो ग्राइंडिंग स्पीड स्पेंडल होता है उसके अंदर मैग्नेटो बियरिंग होती है, और आईसी इंजन का जो कनेक्टिंग रॉड होता है उसके अंदर हाइड्रोडायनेमिक जनरल बियरिंग होती है, लीफ स्प्रिंग की जो आई माउंटिंग होती है उसके अंदर किस टाइप की होती है, टेफ्लॉन और नाइलॉन बुश लगे हुए होते हैं। तो आपका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ए के अंदर 3, बी के अंदर 1, सी के अंदर 4 और आपका डी के अंदर आएगा 6। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन ए थिक फिल्म हाइड्रोडायनेमिक जनरल बियरिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या होता है, ये लोड के साथ इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। देखिए, जैसे आप लोड बढ़ाओगे तो आपका होता है म्यू बराबर जेड एन अपॉन पी, तो पी बढ़ाओगे तो म्यू आपका कम हो जाएगा, तो ये बात एकदम सही है, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द लोड। तो आपका ऑप्शन सी एकदम सही आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजन का है कि जो फिल्म लुब्रिकेशन होता है उसका इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो दिखा रखा है कि हाई डिग्री ऑफ ऑयलनेस, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द लुब्रिकेंट विथ मच लोअर ऑयलनेस। ठीक है, आप इसको बदल सकते हो, तो ये बात सही है। नेक्स्ट वन देखिए, लुब्रिकेंट्स ऑफ हाई ऑयलनेस आर रिलायबल टू डिकम्पोज एंड ऑक्सीडाइज, हैंस नॉट सुटेबल टू द जनरल पर्पज़। तो ये भी बात सही है, इसको एक्सप्लेन करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। बाकी अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।